दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपका सिम यहाँ पर खो जाता है या फिर यूँ कहें कि किसी वक्त से जो आपका सिम है वो डैमेज हो जाता है, खो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि एक नया सिम उसका जो है वो लेते हैं स्टोर से, चाहे वो आपकी किसी भी टेलीकॉम कंपनी की हो। बट वहाँ पर एक सर्विस आपको देखने को मिलती है कि जब भी आप कोई नया सिम या इशू करवाते हो, जब भी खोने के बाद एक डबिंग सिम इशू करवाते हो, तो वहाँ पर आपको 24 घंटे की जो मैसेजेस की सर्विसेज है वो देखने को नहीं मिलती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं आखिर 24 घंटे के लिए आपका जो SMS सर्विस है को वो क्यों बंद करके रखती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे डेली बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों जब भी आप अपने सिम को यहाँ पर डबिंग में करवाते हो, सपोज आपका सिम अभी खो गया, तो आप जब जाएंगे स्टोर पे तो वहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आपका जो सिम है वो फिर से इशू कर दिया जाता है, जो कि 2 घंटे बाद ऑन भी हो जाता है, जहाँ पर आप कॉलिंग इंटरनेट वगैरह यूज़ कर पाते हो। बट यहाँ पर कॉलिंग और इंटरनेट तो आप यूज़ कर पाते हो, बट आप किसी को SMS सेंड नहीं कर सकते, ना ही रिसीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक आपका जो UPI IDs वगैरह है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह है, वो भी आप नहीं कर सकते, नहीं आप किसी को मैसेज कर सकते हो, नहीं आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म से OTP वगैरह भी नहीं आएंगे। तो ऐसे में 24 घंटे के लिए अगर आपको कोई भी काम पड़ जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में भी फंस जाते हो। बट ऐसा जो टेलीकॉम कंपनीज क्यों करती हैं, वो आपके सिक्योरिटी के लिए ही करती हैं। बिकॉज जब भी आपका सिम अगर कहीं पर भी खो गया है, अगर या फिर कुछ हो भी गया है, तो आपका जो पुराना वाला सिम है वो 2 घंटे तक तो ऑन रहता है, तब उसके बाद वो चालू होता है। इसके बीच अगर कोई भी यहाँ पर आपसे कोई भी SMS वाली जो भी यहाँ पर SMS से रिलेटेड फ्रॉड है वगैरह ये सभी चीज़ें ना हो, इसलिए वो 24 घंटे के लिए SMS सर्विस को बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्योंकि SMS सर्विस से ही आप अपनी UPI ID को मैनेज करते हो, अगर आपने कोई पेमेंट किया तो OTP वगैरह भी आती है, साथ ही साथ अगर आप अपने UPI को वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो भी आप SMS सर्विस की मदद से ही वेरिफिकेशन करते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि फोन पे, गूगल पे वगैरह जब भी आप यूज करोगे, इंटरनेट बैंकिंग जब भी आप यूज करोगे, तो यहां पर उसी नंबर से आपकी वेरिफिकेशन के लिए बैंक में जाता है मैसेजेस। तो इसीलिए 24 घंटे के लिए सभी चीज़ें बंद कर दी जाते हैं, आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर सिम जाइए डबिंग में ले लीजिए और अपने सर्विसेज को फिर से चालू करिए, और यहाँ पर जो भी फ्रॉड वगैरह अगर आपके साथ होता है तो इससे आप बच सकते हो। क्योंकि 24 घंटे बाद आप एक नया सिम भी इशू करवाते हो तो 24 घंटा भी बंद रहेगा आपका जो सिम है, वो सर्विसेज जो है SMS बंद रहते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो आपके सिक्योरिटी के लिए ही यहाँ पर 24 घंटे तक की SMS सर्विस जो है वो बंद करके रखती हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे डेली बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।